महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, नोटिस पीरियड पर है फडणवीस सरकार। उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम फडणवीस का जवाब, अगले पांच साल तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, उद्धव बोले लंबी चलेगी हमारी दोस्ती। गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल होंगे शिवसेना का चेहरा, हार्दिक ने कहा सही मुद्दों के लिए करेंगे काम। बीएमसी चुनाव से पहले वोट के बदले पैसे देते प्रत्याशी आयशा शेख का वीडियो वायरल, आयशा ने कहा विरोधियों की साजिश। वायरल वीडियो को लेकर विरोधियों ने चुनाव आयोग और पुलिस से की शिकायत, जांच की जुटी एजेंसियां। शिवसेना का सामना के जरिए बीजेपी पर हल्ला, कहा बीजेपी उम्मीदवारों का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा सार्वजनिक रैलियों और मोर्चों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये लोकतंत्र का आंतरिक हिस्सा है। मुंबई के अंधेरी में सुबह 6:30 बजे हादसे का शिकार हुई बस, उस वक्त बस में मौजूद ड्राइवर की बाल बाल बची जान। अंधेरी में बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, दो बार पलटी बस, आरोपी ड्राइवर फरार। मुंबई पुलिस ने अपहरण के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 7 लाख की मांग गई थी फिरौती। आरबीआई आज अपनी मॉनिटरी पॉलिसी का करेगी ऐलान, कर सस्ता होने की उम्मीद। मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान के पहले बढ़त के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स में 56 अंकों का उछाल। अनुष्का शर्मा और दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म फिलौरी का एक और पोस्टर लॉन्च, दिखा दोनों का लुभावना लुक। फिल्म फिलौरी के ट्रेलर की मुरीद हुई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, ट्वीट कर अनुष्का शर्मा को दी बधाई। फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंची कंगना रनौत, जवानों का बढ़ाया हौसला।